छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि 400 उम्मीदवार चुनाव लड़े तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने कहा कि हार का डर इतना सता रहा है तो दबाव में चुनाव लड़ क्यों रहे हो। एक रिपोर्ट। चुनाव में दिग्गी की पुकार, नए फॉर्मूले पर बहस गरम, बीजेपी को भी नहीं हो रहा हजम। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा में सोमवार से चुनावी प्रचार का आगाज किया है। उन्होंने यहां पदयात्रा की शुरुआत की है, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर भी बयान दे रहे हैं। उनके इस बयान में नए फॉर्मूले की झलक भी है। पहले सुनिए दिग्गी राजा क्या कह रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसका तरीका यह है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। उधर दिग्विजय सिंह के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर एमपी बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय को हार का डर अभी से सता रहा है, चुनाव कैसे होगा ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा, ना कि दिग्विजय सिंह। चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये जो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, हार का डर इतना सता रहा तो लड़ क्यों रहे हो, दबाव में मैदान छोड़ के भागो जैसे खजुराहो से भाग गए। तो इसलिए ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं, कानून अपना काम करेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, आप थोड़ी क्या करेंगे। एमपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बना दिया गया है। ज्यादा नामांकन से बैलेट पेपर आएगा, ये बयान दिग्विजय सिंह से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी दे चुके हैं। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का नया फॉर्मूला सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, भोपाल।